गाइज यहाँ पे इतनी कमाल की वीडियो ना, आप हैरान रह जाओगे इस वीडियो को देख के। यहाँ पे फायरबोल्ट की टॉप की वॉचेस हैं सारी की सारी, और जिसमें स्टोरेज मिलता है बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है, 4 GB से लेके 8 GB तक स्टोरेज देखने को मिलता है इसमें आपको। और यहाँ पे टेडब्लस भी पेयर कर सकते हो, पर्सनल MP3 प्लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो। फायरबोल्ट की अब तक की जितनी भी कह सकते हो हाई रेंज की वॉचेस हैं जिसमें आपको मैक्सिमम फीचर मिलते हैं वो ये वीडियो है, और इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कर देना जो कि चाहते हैं कि एक वॉच में उनको सारे के सारे फीचर मिले, तो डेफिनेटली इस वीडियो को देख लीजिए आप। और गाइस इस तरीके की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, गाइस बेल आइकन कॉल कर दो, साथ में आप हमारे टेकबुक चैनल को भी टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो जहां पे हम बहुत ही अच्छी अच्छी डील डालते रहते हैं। लो प्राइस लिंक आपको बेस्ट प्रोडक्ट पर मिलती रहती है। सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट वाली लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी, जाके आपको वहीं से ग्रैब करना है, और एक लाइक तो बनता है इस वीडियो के लिए। तो गाइस यहाँ पे टॉप की 5 वॉचेस बताऊंगा। यहाँ पे कुछ वॉचेस मैंने सेल कर दी थी, कुछ वॉचेस मेरे पास बची हुई हैं, तो मैंने सोचा कि वो इंक्लूड करके आपको पूरा का पूरा एक कंक्लूजन देता हूँ फायरबोल्ट की जितनी भी टॉप की वॉचेस हैं उसी का ही खासकर। तो सबसे पहले यहाँ पे ज्यादा ना करते हुए सबसे ज्यादा फीचर वाली वॉच लेंगे यहाँ पे फायरबोल्ट की रॉयल। सबसे ज्यादा फीचर मिलते हैं इसमें आपको जितनी वॉचेस फायरबोल्ट की है ना अभी तक की, आज तक की टिल डेट, सबसे ज्यादा फीचर मिलते हैं इसमें आपको। AMOLED डिस्प्ले मिलता है इसमें, रोटेटेबल क्राउन का ऑप्शन मिलता है, और सबसे ज्यादा प्रीमियम लगती है वॉच, सुपर लग्जरी स्मार्ट वॉच कह सकते हो आप इसको। 4 GB स्टोरेज मिल जाता है इसमें आपको, और बर्ड्स को पे करने का ऑप्शन मिलता है, AMOLED डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, और यहाँ पे 200 से भी ज्यादा वॉच फेस मिल जाते हैं वॉच में ही इटसेल्फ। ये काफी अच्छी बात है, आप यहाँ पे थक जाओगे इसको घुमाते घुमाते और यहाँ पे वॉच फेस खत्म नहीं होने वाले। और यहाँ पे 300 स्पोर्ट्स मोड भी देखने को मिल जाते हैं, और 2 बटन मिल जाती हैं यहाँ पे, 3 बटन मिलते हैं बेसिकली, ये भी पुश बटन की तरह बैक बटन की तरह काम करती है, और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी इसमें देखने को मिल जाता है। और गाइस ये एल्युमिनियम केसिंग मिलती है यहाँ पे, रगेड प्रीमियमनेस और कह सकते हो लग्जरी तीनों फील आपको देखने को मिलता है इसमें। और यहाँ पे वॉच में ही मतलब बॉक्स में ही इटसेल्फ आपको जो स्ट्रैप को शॉर्ट करने का टूल भी मिल जाता है, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इसका मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो वैसे तो, और ये आपके लास्ट मीडियम स्क्रीन काफ़ी अच्छी है, थिन पे छिन लगेगी, ध्यान रखिएगा, देख सकते हो यहाँ पे ये मेरे मीडियम स्ट है, इस तरीके से मेरे रिस्ट पे लग रही है। तो ये है आपके, अगर 5.8 इंच से नीचे है आपके रिस्ट तो ये वॉच अच्छी लगेगी, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप सब, है ना। और गाइस यहाँ पे पीछे के साइड डेडिकेटेड रेड और ग्रीन एक्सेंट का सेंसर प्रॉपर मिल जाता है इसमें, आप सॉन्ग्स को डाल सकते हो अलग से, मतलब थ्रू द OTG केबल आप यहाँ पे सॉन्ग को डाल सकते हो, और यहाँ पे आप सुन भी सकते हो प्रॉपरली, यहाँ पे लोकल मोड पे जैसे आप करते हो तो यहाँ पे आप वॉच में सॉन्ग को सुन सकते हो, और यहाँ पे कम से कम 800 तक सॉन्ग डाल सकते हो, 700-800 तक, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे मोड भी स्विच करने का ऑप्शन देखने मिल जाता है यहाँ पे इधर की साइड से, देख सकते हो फोन मोड पे आपका कॉलिंग वाला कनेक्टेड रहेगा, लोकल मोड पे आपका म्यूजिक प्ले होगा, और टीडलेस मोड पे आप बर्ड्स को पे कर सकते हो, ऑफलाइन MP3 प्लेयर की तरह यूज़ कर सकते हो, तो ये काफ़ी कमाल की बात है, है ना। अब गैस यहाँ पे फीचर्स तो सारे के सारे हैं इसमें, सबसे ज़्यादा फीचर हैं इसीलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है। अब गैस आप बोलोगे डायमंड में भी सेम फीचर मिलते हैं, इन्फिनिटी में मिलते हैं, इन्विजो प्लस में मिलते हैं, नो गैस इसमें आपको रिकॉर्डर का ऑप्शन एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब गैस लोग बोलेंगे रिकॉर्डर भी मिलता है उसमें, यस अच्छी बात है उसमें रिकॉर्डर मिलता है, बट इसमें आपको 2 गेम एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो कुछ चीज़ें इसमें एक्स्ट्रा दी गई हैं जो अदर वॉचेस में अवेलेबल नहीं होती हैं, जैसे कि इसमें 2 गेम्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, और स्लाइटली लाउडनेस आपको अगर इन्वेसो प्लस से कंपेयर करूँ तो बेटर मिलेगी इसमें आपको, और उसी के साथ साथ यहाँ पे ब्राइटनेस लेवल्स भी थोड़ी सी बढ़ाई गई है। यस जहाँ पे आपको 600 निट्स की ब्राइटनेस मिलती थी जो इन्वेसो प्लस है या मतलब इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी में तो नहीं मिलती, इन्फिनिटी में 500 निट्स की है, TFT LCD पैनल है, और या जो इससे पहले थी कौन सी थी इनविजिबल, उससे भी ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस सेल्स मिलते हैं, तो ये भी अच्छी बात है। तो गैस इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप ग्रैब कर सकते हो, 5,000 रुपये के प्राइस बैकेट देखने को मिल रही है, अभी लॉन्च हुई है, हाल फिलहाल में मैंने रिव्यू अनबॉक्सिंग कर रखा है, काफ़ी कमाल की वॉच मिल जाती है। ब्लैक एक्सेंट में काफ़ी अच्छी लगती है, ब्लू एक्सेंट में भी काफ़ी अच्छी लगती है, और अगर सिल्वर लेते हो तो और भी अच्छी है, क्योंकि सिल्वर का कलर जो है वो उतरेगा नहीं जल्दी, और ब्लैक का या ब्लू का 1 साल बाद 1.5 साल बाद उतर जाएगा, अगर आप अच्छी तरीके से यूज़ करोगे तब उतरेगा, रफली यूज़ करोगे, बट आप यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करोगे तो वेट ईयर अगर ज़्यादा नहीं होता है तो कलर नहीं उतरता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हम रखते हैं 1 पे, और कंक्लूजन भी साथ ही में मैं दे रहा हूँ, इसको 1 पे ही रख रहा हूँ मैं वॉच को। तो 2 पे हम रखते हैं फायरबोल्ट की अगेन एक कमाल की वॉच जो है इन्विजो प्लस। यस आपने इसे सुना, इन्विजो प्लस ऑन ऑफर भी आपको 4,000 रुपये तक के प्राइस बैकेट देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी वॉच है। UI एकदम सेम मिलता है डिट्टो रॉयल की तरह, बट रॉयल से थोड़े से फीचर्स कम मिलते हैं, 3 बटन इसमें भी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छा लुक आता है इसका भी, थोड़ा सा शार्प एजेस लगती है देखने में। अगर मैं डायरेक्टली कंपेयर करूँ आपकी रॉयल से, तो रॉयल से उतनी ज़्यादा प्रीमियम नहीं लगती, रॉयल ज़्यादा प्रीमियम लगती है इससे खासकर जो आपकी इन्विजो प्लस है। अब इन्विजो प्लस में जो ऊपर की साइड से जो डिस्प्ले है वो कर्व्ड है, जिसकी वजह से उस पर एक बार भी गिरेगी ना तो इंपैक्ट लगेगा, तुरंत क्रैक हो जाएगी, बट जो आपकी रॉयल है वो क्रैक नहीं होगी, क्योंकि रिंग मिल जाती है ऊपर की साइड से और रगेड फील है उसका ज़्यादा। तो गाइज यहाँ पे डेफिनेटली एज ले आती है रॉयल आपकी, अगर मैं इन्विजो प्लस से डायरेक्टली कंपेयर करूँ, बट अगर फीचर्स को कंपेयर करें, फीचर्स तो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, इक्का दुक्का फीचर ऊपर नीचे होंगे, बट सब कुछ सेम ही मिलता है देखने के लिए, तो आप कौन सी वॉच ले जा सकते हैं? ऑब्वियसली बात है रॉयल लेटेस्ट है, रॉयल में आपको फीचर ज्यादा मिलेंगे एज कम्पेयर टू इन्विजो प्लस। तो मैं लिंक आपको इन्विजो प्लस की भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बट अगेन रॉयल अभी 1 पे ही रहेगी अभी फिलहाल। तो
अब गाइस थर्ड नंबर पे हम कौन सी वॉच रखें, तो थर्ड नंबर पे हम रखेंगे यहाँ पे डायमंड। यस, आपने इसे सुना, डायमंड काफ़ी कमाल की वॉच है फायरबोल्ट की, मेरे को मतलब अभी तक की सबसे प्रीमियम वॉच लगी है। अभी जो मैंने नंबर वन पे रखी ना रॉयल, उससे भी ज़्यादा प्रीमियम लगती है वॉच, देख सकते हो। ये खासकर सिल्वर वेरियंट में एक बहुत ही तगड़ा लुक आता है। हाथ पे पहन लोगे, सामने वाला पूछेगा कि 20-30 हज़ार रुपये की वॉच पहन रखी आपने, सामने वाले को लगेगा। यूआई सेम है आपका, सेम आपका रॉयल की तरह मिलता है। दो चीज़ें इसमें मिसिंग है, पहला है इसमें दो गेम जो रॉयल में मिल जाते हैं, और दूसरा क्राउन की वर्किंग नहीं है, दैट्स इट। नहीं तो एकदम डिट्टो आइडेंटिकल है, मतलब रॉयल और ये साथ में रख दो ना तो कोई भी पहचान नहीं पाएगा फीचर्स के मामले में। खासकर लुक में तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे रॉयल और इसमें लुक तो आपको डिफरेंट देखने को मिलता ही है, बट ये आपका एक स्पोर्टी लुक के साथ प्रीमियमनेस लग्जरी, और ये स्पोर्टी लुक के साथ फॉर्मल लुक देखने को मिलता है, लग्जरी तो है ही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इन टर्म्स ऑफ लुक्स ये नंबर पे रखता हूँ, इन टर्म्स ऑफ फीचर्स मैं रखता हूँ रॉयल नंबर टू पे। तो चलिए हम थर्ड नंबर पे कौन सी वॉच रखेंगे, थर्ड नंबर पे रखते हैं यहाँ पे फायरबोल्ट की। ऑब्वियसली बात है फायरबोल्ट की वॉचेस की रेंज ले रहे हैं, तो यहाँ पे फायरबोल्ट की इन्फिनिटी आती है या इन्फिनिटी लुक्स रख सकते हो। सब कुछ अच्छा है, डिस्प्ले बहुत ही बड़ी मिलती है गाइस, यही बोरिंग बनाया था इस वॉच को। ये एक बहुत बड़ा डायल लगता है, मतलब ये बहुत बड़ा एक पूरा फोन टाइप का लगता है देखने में, क्योंकि मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले 1.6 इंचेस की, इतना बड़ा कोई पहनता नहीं डायल साइज। तो ये गोरिल्ला रिस्ट वालों के लिए काफ़ी अच्छा है, 7.5 इंचेस से 8.5 इंचेस के रिस्ट के उनके लिए बेटर है। ये सिर्फ लार्ज रिस्ट के लिए बनी हुई है, थिन रिस्ट पे मीडियम रिस्ट पे बिल्कुल भी बेकार लगेगी, बिल्कुल अच्छी नहीं लगने वाली। यूआई एकदम डिटो आइडेंटिकल है रॉयल से, बट अगेन इसमें आपका कुछ चीज़ें मिसिंग है, जैसे कि दो गेम्स इसमें मिसिंग है। एलसीडी डिस्प्ले मिलती है, टीएफटी एलसीडी पैनल है, एमोलेड डिस्प्ले नहीं मिलती देखने के लिए इसमें आपको, तो ये भी कुछ फ्लॉज है। और इसका स्ट्रैप आसानी से चेंज नहीं कर सकते, मतलब ये चेंज तो कर सकते हो, निकाल सकते हो, बट ये आसानी से मिलेगा नहीं आपको मार्केट में। 24mm का है बेसिकली, और नॉर्मल जो होते हैं आपके, चाहे इन्फिनिटी नहीं आपका रॉयल का ले लो, चाहे आप डायमंड का ले लो, 22mm स्ट्रैप साइज है। इसका स्ट्रैप साइज थोड़ा सा डिफरेंट ही है, 24mm, जो कि आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलेगा, तो ये भी एक फ्लॉ है कहीं ना कहीं। एक वैसे लूट डील पे गई थी ये 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, अभी फिलहाल हाल फिलहाल में जब अभी बिग बिलियन डे सेल चल रहा था, जिसने भी ग्रैब की मतलब उनकी तो मजे आ गए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 3500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट मिलती थी। अभी भी आई थिंक ये 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में होगी, अब 1500 में कब आएगी आई डोंट नो यहाँ पे, बट फिलहाल तो प्राइस बढ़ चुका है। बट अगेन उन्हीं को भी रिकमेंड करूँगा जिनके लार्ज रिस्ट हैं, मीडियम या थिन रिस्ट वाले दूर रहे इस वॉच से, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इसको हम रखते हैं फोर्थ नंबर पे। तो गाइस लास्ट बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे फायरबोल्ट की इनविंसिबल, जो पहले वाला वर्जन था, जो सबसे पहले आया था, 8GB स्टोरेज मिलता था। जितनी वॉच मैंने आपको बताया चार की चारों, चारों में ही आपको 4GB स्टोरेज मिलता है, बट ये आपको जो इनविजिबल है सबसे पहले वाली 8GB ऑफ स्टोरेज मिलता था। बट गाइस इसमें कुछ फ्लॉज थे, जैसे कि यहाँ पे आपको गेम्स का ऑप्शन मिसिंग था, दूसरा इसमें कनेक्टिविटी इशूज बहुत ज़्यादा थे, तीसरा इसमें अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन ही नहीं था। अब आई डोंट नो यहाँ पे अपडेटेड वर्जन आया है इनविजिबल का, तो मे बी हो सकता है इनविजिबल प्लस में तो है ऑप्शन लगाने का अपनी पिक को। चारों की चारी इससे पहले जो वॉचेस बताई सब में अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन है, बट इनविजिबल में अपनी पिक को एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन ही नहीं है, तो ये थोड़ा सा फ्लॉ लगा मेरे को। और तो गाइस सारी चीज़ें सेम ही हैं जो देखने को मिलता है, यूआई भी सेम है, बट अगेन गाइस कुछ चीज़ें अपग्रेड करी गई हैं रॉयल, जिसकी वजह से नंबर वन पे चली जाती है। तो यहाँ पे इनविजिबल हम लास्ट नंबर पे रखते हैं। तो गाइस ये थी कुछ पांच वॉचेस जहाँ पे मैंने आपको मैक्सिमम चीज़ें बता दी यहाँ पे कौन सी वॉच बेटर कौन सी नहीं है। और सबसे पहले नंबर पे मैं वही रखूंगा रॉयल, सेकंड नंबर पे मैं रखूंगा यहाँ पे इनविजिबल प्लस, थर्ड नंबर पे रखूंगा डायमंड, फोर्थ नंबर पे रखूंगा इन्फिनिटी, और लास्ट नंबर पे रखूंगा इनविजिबल जो पुरानी वाली है, क्योंकि इसमें अपनी पिक एज अ वॉच फेस लगाने का ऑप्शन ही नहीं था। और सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट वाली का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाके आप ग्रैब कर सकते हो। बहुत ही कमाल की वीडियो गाइस, शेयर कर दो लोगों के साथ। फायरबोल्ट की रेंज की सबसे प्रीमियम वॉचेस और सबसे ज्यादा फीचर रिच वॉचेस के बारे में मैंने इस वीडियो में आपको बताया। तो मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।